पीएम मोदी भुज में कर रहे थे रोड शो, तभी मुस्लिमों ने लगा दिए भारत माता की जय के नारे। दरअसल पीएम मोदी दो दिन से गुजरात में हैं। आज प्रधानमंत्री ने भुज में 3 किलोमीटर तक रोड शो किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री का जमकर स्वागत किया। पूरे रोड शो में कहीं प्रधानमंत्री के सम्मान में पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया गया था, तो कहीं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। इसी रोड शो का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री भी गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। महज 18 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी गाड़ी पर चढ़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे होते हैं, तभी मुस्लिमों की भीड़ से भारत माता की जय के नारे साफ सुनाई देते हैं और पीएम मोदी उसके बाद इन मुस्लिमों की तरफ हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बता दें कि पीएम मोदी गुजरात में आए भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में बने म्यूजियम स्मृति वन का उद्घाटन करने यहां आए थे। इस कार्यक्रम से ठीक पहले यहां उन्होंने 3 किलोमीटर के रोड शो का आयोजन किया था। बस इसी रोड शो की ये तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इससे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद में चरखा भी चलाया और 7,500 खादी कारीगर महिलाओं के साथ बातचीत भी की। भुज में रोड शो के बाद पीएम मोदी कच्छ भी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब आपदा से गुजरात निपट रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया, लेकिन गुजरात ने हर साजिश को पीछे छोड़ दिया। भाई और बहनों, कच्छ ने सिर्फ खुद को ऊपर उठाया इतना ही नहीं है, लेकिन कच्छ ने पूरे गुजरात को विकास की नई गति दी है। एक दौर था जब गुजरात पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना, इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी ऐसा ही कानून बना। कोरोना के संकट काल में इसी कानून ने हर सरकार और प्रशासन की बहुत मदद की। साथियों, हर साजिश को पीछे छोड़ते हुए गुजरात ने नई औद्योगिक नीति लाकर गुजरात में औद्योगिक विकास की नई राह चुनी थी। तो आप इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।